हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा जर्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना बेडरूम डीप क्लीनिंग का रूटीन। आज मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और मैंने बेडरूम की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो सबसे पहले डीप क्लीनिंग में मैं डस्टिंग करूँगी क्योंकि ये जो आले हैं ना, आले बोलते हैं हम लोग इन्हें, तो ये जो आले हैं इनमें काफ़ी मिट्टी हो गई थी। इन सब छोटी छोटी चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए मैंने रख रखी हैं उन सब में भी धूल मिट्टी चढ़ गई थी क्योंकि एक तो रोड पे घर है और गार्डन भी है सामने, तो काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है रूम में और सारी चीज़ों में ही इवन धूल मिट्टी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके मैं डस्टिंग कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साथ ही इन आलों में क्या करते हैं मेरे हस्बैंड हो गए या अथक हो गया, तो छोटी 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 चीज़ें ना रख के ऐसे ही चले जाते हैं और सारा अपसेट कर देते हैं उन चीज़ों को। जैसे ये हैं तो ये पर्स रख जाएंगे, या अथक कोई पेन पेंसिल निकाल के रख जाएगा या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रख जाएगा, तो इन सब चीज़ों को से ना ये सब चीज़ें बिखर सी जाती हैं। तो फाइनली मैंने सोचा आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि मैंने घर की सफाई पहले ही कर ली थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से ही सोच रखा था कि मैं आज डीप क्लीनिंग करूँगी रूम की। तो यहाँ पर अब मैं अपने टीवी को क्लीन कर रही हूँ। टीवी में भी काफ़ी मिट्टी आ जाती है, दिखाई नहीं देती टीवी में कि मिट्टी आ रखी है, लेकिन वो काफ़ी टीवी के जो कॉर्नर्स हैं या जो बॉर्डर होता है ना टीवी का, उसमें काफ़ी मिट्टी आ जाती है। तो टीवी वगैरह को भी मैं क्लीन कर लूँगी और साथ ही टीवी के नीचे जो ये स्टैंड रख रखा है ना, सेट टॉप बॉक्स वगैरह के लिए स्टैंड रख रखा है, तो ये भी काफ़ी बिखर जाता है। और इसमें भी जैसे कोई चाय के कप वगैरह रख दिए या कुछ रख दिया ना, तो एकदम से हमने किचन में नहीं रखा चाय पी के और कप वहाँ पे रख दिया, तो उसके निशान से बन जाते हैं। तो अच्छे से इसे भी आज क्लीन कर दूँगी, सेट कर दूँगी इसे भी। और हमें वैसे डेली ही अच्छे से वैसे तो क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम लेडीज़ लोग क्या है कि काम निपटाने के चक्कर में ना डेली डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो डेली नहीं भी करें तो हमें वीकली या फिर 15 दिन में तो एक दिन ऐसा निकालना ही चाहिए कि हमें रूम की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। और हर 15 से 20 दिन में क्या होता है दीवारों वगैरह में सब में जाले वगैरह भी आ जाते हैं, तो वन बाई वन हमें करते ही रहना चाहिए, साफ़ सफाई तो करना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं अथक की स्टडी टेबल साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अथक की ऑनलाइन क्लासेस लगती है ना, तो एक टेबल यहाँ पर हम लोगों ने रख दी है ताकि उसे सहूलियत हो जाए। वैसे ही ये टेबल डेली ऐसे नहीं रहती थी पहले, लेकिन जब से अथक की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है ना तब से ये टेबल भी यहाँ पर रख दी है, स्टडी टेबल। और अब यहाँ पर मैं बेड का जो टॉप वगैरह है ना उसको भी क्लीन कर लूँगी, इसकी भी डस्टिंग कर लूँगी क्योंकि इसमें भी कलर ऐसा है कि मिट्टी दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी मिट्टी आ जाती है जब हम क्लीन करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हाँ इसमें इतनी सारी मिट्टी है। और इस टॉप को भी ये लोग इतना खेल देते हैं ना, कोई कॉपी रख देगा, कोई मोबाइल रख देगा, कोई चार्जर रख देगा, तो ऐसे करके इसे भी बहुत बिखेर देते हैं। तो इसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ना ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल भी काफ़ी गंदी हो जाती है, ड्रेसिंग टेबल में तो ऑलमोस्ट मेरा ही सामान रहता है, ज़्यादा किसी का नहीं रहता, तो ये भी बिखर ही जाती है। और इसका भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक ड्रेसिंग टेबल टूर करवाया है, उसे आपने काफ़ी पसंद किया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना ड्रेसिंग टेबल टूर। और यहाँ पर मैं कूलर को भी पूछ लूँगी, कूलर में भी धूल मिट्टी चढ़ जाती है क्योंकि कूलर तो बिल्कुल खिड़की के पास ही है, विंडो के पास, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा मिट्टी आती है। तो इसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं पिलो कवर वगैरह लगाऊंगी, जो मेरे को बेडशीट भी चेंज करना है क्योंकि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो बेडशीट चेंज करना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने पिलो कवर चेंज कर लिए हैं और अब मैं लगाऊंगी बेडशीट। और बेडशीट भी क्या हर 2 दिन या 3 दिन में ना गंदी हो जाती है क्योंकि मोस्टली अथक भी है तो बेड पर ही बैठ के कुछ खाता है, ये भी खाते हैं, तो बेडशीट जो है वो भी मेरी एक दो दिन में गंदी हो ही जाती है। डाइनिंग टेबल होने के बाद भी डाइनिंग टेबल कोई भी यूज़ नहीं करता है और बेड पे ही बैठ के खा लेते हैं, नाश्ता भी हो गया या खाना पीना भी हो गया, तो बेडशीट क्या है हर 2 से 3 दिन में गंदी हो जाती है। और इन सब कामों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हमारे माइंड में एक हेडेक्स होता है कि हाँ हमें रूम की डीप क्लीनिंग करनी है या घर की भी कोई किसी भी रूम की डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो बस एक माइंड में हेडेक होती है, लेकिन जब करने लग जाओ ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग आधा से पौना घंटा लगता है और उसमें सारी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है।
बातों बातों में यहाँ पर मेरा शीट भी सेट हो चुका है और समय समय पर मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते ही होंगे। अभी एक दो दिन पहले मैंने किचन को भी क्लीन किया था अच्छे से, कंटेनर्स वगैरह सब क्लीन कर लिए थे। तो टाइम टू टाइम हमें करते रहना चाहिए, चाहे तो वीकली चाहे 15 दिन में। नहीं करो तो वही है, वर्कलोड बढ़ जाता है और वो हमें ही करना होता है। और साथ के साथ ही अब यहाँ पर मैं दीवारों को भी साफ़ कर लूँगी। दीवारों में भी क्या है, मिट्टी चढ़ जाती है। वो हमें दिखाई तो नहीं देती है लेकिन पास जाके देखो ना तो हल्की हल्की सी एक मिट्टी की जो परत सी होती है ना वो दीवारों में दिखाई देती है। और छोटे छोटे कॉर्नर्स पे कुछ जाले भी हो जाते हैं, तो वो जाले पता नहीं, वो मकड़ी के जाले नहीं होते, वो पता नहीं किस चीज़ के जाले होते हैं, वो छोटे छोटे वाले जाले आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। तो वो भी मैंने बस क्लीन कर लिए, कॉर्नर्स में हो जाते हैं वो छोटे छोटे जाले। तो दीवारें भी आज मेरी फाइनली क्लीन हो गई हैं, जाले भी मैंने सारे हटा लिए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जाले वगैरह घर में नहीं रखने चाहिए। जाले वगैरह होने से क्या है, घर में निर्धनता गरीबी आती है, लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। तो घर की लक्ष्मी होने के नाते हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम रहते हमें ये डीप क्लीनिंग वगैरह करते रहना चाहिए। और अब बस सारी सफाई अच्छे से हो चुकी है और अब मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी, तो ये डीप क्लीनिंग वाला जो आज काम है ना वो फाइनली हो जाएगा। और काफ़ी दिनों से हेडेक चल ही रही थी कि रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो अब दिवाली भी आने वाली है लेकिन फिर भी मैं तो मंथ में एक दो बार डीप क्लीनिंग करती हूँ, चाहे वो किचन हो चाहे वो रूम हो। एक दिन मैं सोची हूँ पर्दे वगैरह भी हटा के और निकाल के धो दूँगी इनको मशीन में। तो पर्दों में भी क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, तो यहाँ पर अब बस झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब मैं बस पोछा लगा दूँगी। और पोछा ना मैं वाइपर में लगा के देती हूँ, क्योंकि जो एक पोछा मेरे पास और भी हैवी वाला, लेकिन वो काफ़ी हैवी है तो वो संभलने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। और वो इतना सूखा भी नहीं रहता, वो थोड़ा गीला गीला सा रहता है, क्योंकि वो अच्छे से मैं निचोड़ नहीं पाती हूँ उसको, क्योंकि वो काफ़ी हैवी है। तो मैं क्या करती हूँ, वाइपर में ही पोछा लगाकर और पूरे रूम में पोछा दे देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पोछा भी अच्छे से लग गया है और देखिए रूम मैंने कर दिया है चकाचक, टनाटन, रूम साफ सुथरा हो गया है बिल्कुल। और अब बिल्कुल जब साफ़ हो जाता है ना रूम तो मन को शांति सी मिलती है और एक जो माइंड में एक भारीपन सा रहता है ना कि कोई काम अगर पेंडिंग हो तो माइंड में क्या है मेरे एक भारीपन सा हो जाता है, तो वो आज भारीपन भी उतर गया क्योंकि किचन भी मैंने क्लीन कर लिया एक दो दिन पहले और फाइनली आज मेरा रूम भी जो है उसकी भी डीप क्लीनिंग हो चुकी है। तो ये देखिए अभी आपको मैं रूम भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। एक एक आला, एक एक चीज़ जैसे ये फ़ोटोज़ वगैरह हैं, फ़ोटोज़ फ्रेम वगैरह हैं, इन सब को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। बेड को क्लीन कर लिया है, बेड के टॉप को, ड्रेसिंग टेबल को, कूलर को, सब को अच्छे से पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो चुका है रूम, और साफ साफ रूम और साफ साफ घर कितना अच्छा लगता है ना देखने में। तो ये देखिए, और आज का वीडियो इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ भी इसमें 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।